तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोज़ पाँच रुपये की ये एक खुराक खिला दो और पचास रुपये का दूध बढ़ा लो और हीट में भी समय पर आएगी यानी दोस्तों चीज़ एक है उसको खिलाने से आपका पशु दूध भी बढ़ाएगा और हीट पे जो बहुत सारे पशुपालकों की समस्या आजकल बनी हुई है कि उनके पशु हीट में ही नहीं आ रहे हैं और उस कारण से गैबिन भी नहीं हो रहे हैं तो जो पशु हीट में नहीं आ रहे हैं वो हीट में भी समय पर आएंगे और ये चीज़ आपके घर में हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है तो ये कौन सी चीज़ है और कितने दिन आपने खिलानी है और कैसे इससे आपने दूध बढ़ाना है कैसे इससे आपने अपने पशु को हीट में लाना है वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई समस्या है कोई दिक्कत है कोई परेशानी है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख कर हमें बताइए मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा उसका पूरा हंड्रेड परसेंट इलाज बताऊँगा और दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखा करें क्योंकि ये जो देसी नुस्खे हैं इनमें एक भी चीज़ अगर छूट जाती है तो फिर ये पूरा काम नहीं करते हैं या तो फिर फायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं तो वीडियो जो भी मेरी वीडियो आए वो पूरी जरूर देखा करें तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें तो दोस्तों वो एक घरेलू चीज जिसे आप मात्र पाँच रुपए की खिलाकर अपने पशु का पचास रुपए तक का दूध बढ़ा सकते हैं और आपका पशु उसे खाकर समय पर हीट में भी आ जाता है तो वो चीज़ है जी मेथी मेथी क्या होती है उसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये मेथी क्या होती है दोस्तों ये इंट्रा इन्फ्लामेंट्री होती है और दोस्तों आप इससे खिलाकर अपने पशुओं का दूध भी बढ़ा सकते हैं और पशुओं को हीट में भी समय पर ला सकते हैं और दोस्तों ये इतनी महंगी भी नहीं होती है 80 से 100 रुपए के बीच में ये आ जाती है एक किलो तो ये दोस्तों एक बात ध्यान से सुन ले जो आपके पशु ग्याबिन है उनको आपने कभी भी मेथी नहीं खिलानी है और जो आखिरी के एक महीना होता है उसमें तो बिल्कुल भी ना खिलाएं उससे पहले भी ना खिलाएं तो ही अच्छा है क्योंकि दोस्तों एक तो इस मेथी की जो तासीर है वो गर्म होती है और दूसरे जो पशु की बच्चेदानी होती है ये उसमें सिंकुड़न पैदा करती है यानी कि जैसे आखिरी महीने में समय तो होता है बच्चेदानी का मुंह खुलने का और आप उसको मेथी खिला देते हैं तो ये उसका मुंह खुलने नहीं देती है मुंह नहीं खुलने देती है तो पशु डिलीवरी नहीं कर पाता है बच्चा नहीं दे पाता है तो इस वजह से अगर आप अपने गैबिन पशुओं को मेथी ना ही खिलाए तो अच्छा है पहले आप खिला सकते हैं पहले इसके बहुत सारे फायदे हैं तो दोस्तों जो फायदे हैं जो इस वीडियो में जो दो टॉपिक हमने पकड़े हैं दूध बढ़ाने का और दूसरा पशु को हीट में समय पर लाने का तो पहले दूध कैसे बढ़ाते हैं वो टॉपिक ले लेते हैं तो दोस्तों दूध बढ़ाने के लिए ये मेथी आपने रोज की 50 ग्राम लेनी है और इसको आपने बारिक कूट लेना है या फिर ग्राइंडर करके बारीक इसका चूरण साफ बना लेना है इसका बारिक पाउडर बना लेना है रोज के 50 ग्राम आपने लेनी है और जो आप इसका चूरण बनाते हो या फिर इसको पाउडर बना लेते हो ग्राइंड करके तो जो भी आप दलिया वगैरह दाना मिश्रण या फिर दाना बाट बंटा जो भी आप अपने पशु को खिला रहे हैं फीड वीड जो भी खिला रहे हैं उसमें रोज़ का 50 ग्राम मेथी आपने मिला के खिला देना है और ये दोस्तों ब्याने के 10-15 दिन बाद आप शुरू कर सकते हैं जब आप देखते हैं कि आपका पशु सही से ब्या गया है और उसने मैला वैला है और जो जेर है वो सब कुछ गिरा दिए हैं सही से और फिर भी आपका पशु दूध नहीं बढ़ रहा है पहले वाले ब्यात में उसने बहुत ज्यादा दूध दिया होता है और अब के बार उसका बहुत ही कम दूध दे रही है तो तब आपने ये ब्याने के 10-15 दिन बाद आपने शुरू कर देनी है मेथी रोज की 50 ग्राम ग्राइंड करके पाउडर बना के जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिलाकर दे दीजिए आप रोज़ की 50 ग्राम पाँच रुपये की भी मुश्किल से पड़ेगी और आपका पशु का, का दूध लगातार इससे बढ़ता जाएगा लगातार का मतलब देखो ये आपने लगातार दो से तीन महीने जरूर आपने अपने पशु को देनी है जब तक आप, आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है तब तक तो जरूर दे तो लंबे समय का मतलब ये होता है दोस्तों जो ये देसी चीज़ें होती हैं तो ये अपना काम करने में समय लेती है और जो हमारे आज के पशुपालक हैं वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि अभी खिलाया तो शाम तक दूध बढ़ जाना चाहिए लेकिन ये आप लंबे समय तक आपने देनी होगी मेथी और ये लंबे समय तक आप खिलाओगे तो ये पशु दूध भी लंबे समय तक ही देगा और ज़्यादा देगा तो दोस्तों ये तो था दूध बढ़ाने का नुस्खा मेथी खिलाकर कैसे आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं अब दूसरा जो टॉपिक है वो ये कि बहुत सारे पशुपालक भाई हैं उनके पशु हीट में नहीं आ पाते हैं वो बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ भी अपने पशु को दे चुके होते हैं हीट में लाने के लिए बहुत सारे देसी नुस्खे भी आजमा चुके हैं और जो मिनरल मिक्सचर है वो भी देकर थक चुके हैं लेकिन पशु हीट में नहीं आ रहे हैं तो उनको भी आप मेथी खिलाकर हीट में ला सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपने पशु को हीट में लाने के लिए मेथी की मात्रा को बढ़ा देना है उसको चार गुना कर देना है यानी दूध बढ़ाने के लिए आप 50 ग्राम दे रहे थे तो आपने हीट में लाने के लिए 200 ग्राम रोज़ की मेथी देनी है तो देने का तरीका तो वही है उसको ग्राइंड करके पीस के बारिक पाउडर बना लीजिए और जो भी दाना मिश्रण या दलिया बाट बंटा आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर रोज़ की दो ग्राम मेथी खिलानी है और खिलानी कितने दिन है हीट में लाने के लिए ये आपने मात्र 20 दिन ही 200-200 ग्राम खिलानी है और जब आपका पशु हीट में आ जाए आप उसको ग्याबिन करवा दे तो तब ये आपने बंद कर देनी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये उल्टा असर कर सकती है जो पशु आपने ग्याबिन करवाया तो उसका हो सकता है भाई गर्भपात हो जाए कोई दिक्कत हो जाए तो जैबिन करवाने के बाद आपने अपने पशु के मेथी बंद कर देनी है तो दोस्तों ये दो तरीके हैं दो एक तो मेथी के साथ आप दूध कैसे बढ़ा सकते हैं दूसरा मेथी खिलाकर आप अपने पशुओं को हीट में कैसे ला सकते हैं दोनों ही अच्छे हैं दोनों ही आप आसानी के साथ आजमा सकते हैं कर सकते हैं तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा उसका पूरा हंड्रेड इलाज बताऊँगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार